क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, तुम पे मरते हैं। मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। निहाल और साहिली अपने गायकी से इस हफ्ते कमाल करने के लिए तैयार हैं। हेलो गाइज, मैं हूं गुलशन और आपने लॉगिन किया है एंटरटेनमेंट चाय का। इस वीकेंड निहाल और साहिली दो दो गाने गाते नजर आएंगे, जिसमें एक दिन इंडिया की फरमाइश होगा तो वही दूसरा दिन एचआर का सुरूर। इन दोनों ही दिन निहाल और साहिली अपने शानदार परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतते नजर आएंगे। इंडिया की फरमाइश एपिसोड में इंडियन आइडल के सभी कंटेस्टेंट के फैन देश के कोने कोने से आएंगे, जिसमें सभी कंटेस्टेंट अपने फैन की फरमाइश का गाना गाते दिखेंगे। वहीं एचआर का सुरूर एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट हिमेश रेशमिया का गाना गाते दिखेंगे, क्योंकि हिमेश अपना पुराना एल्बम सुरूर को फिर से लॉन्च कर रहे हैं। निहाल इस हफ्ते अपने लव स्टोरी के चलते सुर्खियों में है। निहाल ने इंडियन आइडल 12 के सेट पे वर्तिका झा को अपनी महबूबा बताया, जिसे सुन कंटेस्टेंट के साथ जज को भी बड़ा झटका लगा। ये दूसरा लव स्टोरी कहां तक जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि वर्तिका झा सुपर डांसर 4 के सुपर गुरु में से एक हैं। वर्तिका झा अपने हॉट फिगर और अपने स्टाइल के चलते भी सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं पे निहाल अपनी गायकी से लोगों का दिल भी जीत रहे हैं। इस हफ्ते साहिली और निहाल की ड्यूट परफॉर्मेंस ने तहलका मचा दिया है। इन दोनों अक्सर साथ में दिखाई देते हैं। निहाल और साहिली हर एक हफ्ते अपने गायकी से लोगों को दीवाना बनाते नजर आ रहे हैं। निहाल और साहिली के बीच में भी अफेयर को लेके बात हो रही थी, लेकिन ये बात ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आइडल में एलिमिनेशन स्टार्ट हो गया है, तो वहीं कंपटीशन भी बहुत टफ हो गया है। ऐसे में देखना बड़ा मज़ेदार होगा कि इस हफ्ते किस कंटेस्टेंट को शो छोड़ के जाना पड़ेगा। निहाल और साहिली एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्हें हमेशा से टॉप 5 में गिना जाता है। तो अब वह कौन 3 कंटेस्टेंट होगा जिसे शो छोड़ के जाना पड़ेगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। इंडियन आइडल और एंटरटेनमेंट की सभी अपडेट टाइम से पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंटरटेनमेंट जायका को। धन्यवाद।